हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाना बताऊंगी जो हम बनाएंगे पुराने कुर्तों से। सभी के तो बहुत सारे कुर्ते कपड़े होते हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन देखिए आज आप इतना यूजफुल चीज बनाएंगे पुराने कुर्तों से। देखिए ये मैंने बनाया है साड़ी बैग। देखिए घर में तो बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं, पुराने कुर्ते होते हैं, हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं बोर होके। देखिए ऐसे ही एक कुर्ते से मैंने ये साड़ी बैग बनाया है। ये देखिए इसका चैन भी मैंने देखिए इसमें लगाया। मैं आपको चैन खोल के दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर कितने सारे कपड़े आ गए हैं। देखिए हम जो मार्केट से लाते हैं आए दिन उनमें कोई ना कोई खराबी तो हो ही जाती है। कभी चैन खराब हो जाती है, कभी वो फटने लग जाते हैं जो पॉलिथीन वाले होते हैं। लेकिन ये जो कपड़े का बना हुआ है ये देखिए ये कितना मजबूत है और इसमें कितने सारे आप देखेंगे एक साथ कपड़े आए हुए हैं। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको ये पुराने सूट से बना साड़ी बैग कैसा लगा। देखिए आपको क्या करना है, कोई भी एक रिजेक्टेड कुर्ता ले लेना है जो आप नहीं पहनते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको ऐसे फैला लेना है। और इसके ऊपर सही परफेक्ट साइज आने के लिए हम क्या करेंगे, एक देखिए ये जो साड़ी बैग है हमारा, ये भी मेरा बनाया हुआ है, इसको रख के हम इसको साइज कर लेंगे। फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे एक कुर्ता लिया हुआ है और साड़ी बैग रख के उसको मैंने परफेक्ट साइज का काट लिया है। आप देख रहे हैं तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है। इससे क्या है कि हमारे साड़ी बैग है जो सुंदर भी बहुत लगते हैं जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको पलट लूंगी और तीन तरफ से इसमें हम हाथ से सिलाई कर लेंगे। आपके पास मशीन है तो आप मशीन भी चला सकते हैं, तो मैं इसे हाथ से सिलाई कर लूंगी। ये वाले साइड में हम इसमें चैन लगाएंगे तो मैं इसी तरीके से पकड़ के इसको अच्छे से सिल लेंगे। इसको थोड़ा सा आप मजबूती से सिलिएगा क्योंकि कपड़ा है ये। फ्रेंड जी के तीन तरफ से मैंने सिल लिया है तो अब मैं जो ये एंड है यहाँ पे नॉट डाल देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सीधा करेंगे और फिर इसमें चैन लगाएंगे। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए यदि आपको और भी ज्यादा मजबूती आए तो डबल सिलाई कर सकते हैं या मशीन भी चला सकते हैं। ये देखिए हमारा ये झोला जैसा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चैन लगाएंगे। ये जो चैन है ये देखिए इसके साइज की है, अगर एक्स्ट्रा चैन है तो इसको काट देंगे। पर इसको क्या करूँगी, मैं इस वाले पोर्शन को अंदर की तरफ डाल दे रही हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और हम चैन में लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, चैन को खोल लेते हैं ताकि हमें सिलाई करना ईजी हो। तो मैं ये जो चैन का एंड वाला पोर्शन होता है इस तरफ से शुरू करूँगी। तो एंड ये झोले के एंड को भी हम ऐसे मोड़ लेंगे जो हमने ये कवर बनाया है कपड़े का। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पहले हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे। उसे क्या है, ये फिनिशिंग अच्छी आती है और मजबूती भी रहती है। और इसका ये जो चैन का एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है इसको मैं ऐसे अंदर की ओर डाल दूंगी। हमें एंड से ही शुरू करना है। ये देखिए ये एंड से हम शुरू करेंगे और ऐसे हम पकड़ के पूरा ऐसे ऐसे हम करके इसको फोल्ड करते जाएंगे कपड़े को और ऐसे करके पूरा चैन में लगा देंगे। इसी तरीके से लगाते जाना है। हम ये जो चैन लगाएंगे तो इसको एकदम देखिए, मैं आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मैंने ये गैप छोड़ा है चैन और कपड़े के बीच में,
एकदम कपड़े को चैन से सटा के नहीं लगाना, नहीं तो क्या है कि फिर हमारी चैन बंद नहीं हो पाएगी, वो कपड़ों में अटकेगी। तो थोड़ा सा गैप रखना है, ये देखिए ये गैप है, तो थोड़ा सा हमें इसे गैप में रख के सिलना है ताकि चैन को सरकने के लिए जगह मिले। फ्रेंड देखिए एक तरफ की चैन हमने पूरी लगा ली है, हम क्या करेंगे ये दोनों चैन को पकड़ के इनके एंड को लॉक कर देंगे, नहीं तो आप अक्सर देखे होंगे कि चैन ही निकल जाती है। तो इन दोनों चैन को पकड़ के एंड में सिल लेना है ताकि हमारी चैन कभी भी निकले ना। इन दोनों को मैं ऐसे पकड़ के सिल लेती हूँ, फिर बाकी का आगे का फिर हम सिलाई दूसरे तरफ का फिर करेंगे। मैं इस तरीके से दोनों चैन को पकड़ के सिल लेती हूँ। इसे क्या है कि हमारी चैन कभी भी बाहर नहीं निकली। फिर इसके बाद हम इसको अपने कवर के साथ में अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए ये सिल रहा है, दो तीन टाँके मार देंगे बस, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। एंड देखिए हमने चैन को अच्छे से टाँग दिया है, और देखिए मैंने इधर कॉर्नर पे एंड में जाकर के चैन को सिल दिया। अब इस तरफ भी हम ऐसे ही चैन और कपड़े को पकड़ के सिल लेंगे जैसे हमने उस तरफ किया था, हमारी चैन अच्छे से सेट हो जाएगी। ऐसे कपड़े को फोल्ड करते जाना है अंदर की तरफ, थोड़ा सा चैन से दूर रखना है ताकि हमको चैन घुमाने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। और इसी तरीके से बस आपको टोटल करते जाना है। फ्रेंड देखिए हमारी पूरी सिलाई ये देखिए कंप्लीट हो गई है पूरी। अब मैं क्या करूँगी इसमें नॉट डाल दूँगी ताकि जो हमारा सिलाई किया है हमने वो खुले ना। अंदर साइड में नॉट डाल देती हूँ और मैं अब आपको चैन लगा के दिखाती हूँ। अच्छे से एक दो नॉट डाल देंगे ताकि खुले ना, मजबूती से आ जाए। ये देखिए हमारा साड़ी बैग बन के तैयार है। देखिए मैं आपको चैन लगा के दिखाती हूँ, देखिए देखिए कितने अच्छे से चैन भी चल रही है ना, एकदम अच्छा। देखिए एकदम जुगाड़ू साड़ी बैग बनके तैयार है। तो आपसे आप कोई भी बैग या झोला को फेंकने से पहले उसकी चैन निकाल लीजिए या उसका ऐसा रीयूज करके जरूर दीजिए।